खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। गुटखा से भरे एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, गुटखा कारोबारियों में मचा हड़कंप। इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में झारखंड में गुटखा प्रतिबंध है, इसके बावजूद गुटखा का कारोबार राज्य के कई जिलों में किस तरह से फल फूल रहा है, इसका एक नजारा रामगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां गुटखा से भरी एक बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। लाखों रुपए मूल्य के गुटखा से भरा एक ट्रक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लोड करके जमशेदपुर के रास्ते चला था, जिसमें पुलिस ने रामगढ़ में ही धर दबोचा है। गुटखा जब्त यह दर्शाता है कि किस तरह से राज्य के अन्य जिलों में भी यह कारोबार चल रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुटखा से भरे एक ट्रक रामगढ़ होते हुए जमशेदपुर जा रही है, इसे लेकर पुलिस ने अपना जाल बिछाकर रखा था। ट्रक जैसे ही रामगढ़ पहुंचकर सूरज ट्रांसपोर्ट में कुछ माल खाली करके जमशेदपुर निकलने ही वाला था कि इसी दौरान पुलिस वहां पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि ट्रांसपोर्ट में गिरी माल रामगढ़ के किस कारोबारी का है, साथ ही यह गुटखा कहां कहां सप्लाई किया जाता है और इसके कौन कौन कारोबारी है। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ से अंकित सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे खाली किया, कहाँ से लाए थे माल आप? कितना पेटी यहाँ पे खाली किए थे? अब ये तो नहीं बता। फिर भी एक अंदाजन ऊपर तक। आपका नाम? सौरभ। कहाँ से लाए थे माल? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। इस ट्रांसपोर्ट में खाली किए थे और उसके बाद वो कहाँ गया, ये जानकारी है? तो बाहर हो गया था ना। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? बहुत बढ़िया। जाइए। हमको गुप्त सूचना मिला था कि बड़े बड़ा ट्रक में गुटखा जा रहा है ना, तो इसीलिए तुरंत आए और हम खुद कार्रवाई करते हुए छापामारी किए, तो देखे कि उसमें अंदर में गुटखा था। क्या कर रही है मैडम आगे की कार्रवाई? ये तो हम साहब को बता दिए हैं, आगे की कार्रवाई साहब करेंगे मैडम। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, फिर कहीं अगर ये गिराए होंगे तो वहाँ भी हम लोग छापामारी करेंगे। तीन सौ 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।